लगभग 12-12 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है और हमारी कोशिश है कि लोग सॉइल हेल्थ सिस्टम को स्वीकार करें और सॉइल हेल्थ की रिकमेंडेशन के अनुसार सिंचाई के लिए पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करें, जिससे कि फसलों के उत्पादन के बाद कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं रहे जिसके कारण मानव को नुकसान हो सके। जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति के कारण भी भारत निश्चित रूप से चिंतित है और उस दिशा में हमारा प्रयत्न है कि जो भविष्य के संकेतक दिखाई दे रहे हैं उन संकेतकों को ध्यान में रखते हुए हम अपने यहाँ पूर्व से योजना बनाए, उस पर काम करें, जिससे कि आने वाले समय में इस संकट से निपटने में हम सक्षम हो सकें। जहां तक कृषि के क्षेत्र का सवाल है तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता के लिए हम R&D पर भी बल दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि फसल कटाई के बाद उसको प्रबंधित ठीक प्रकार से किया जा सके, क्योंकि आज आप सब के ध्यान में है खाद्यान्न की दृष्टि से भारत अधिशेष राष्ट्र है, बागवानी की दृष्टि से भी हम भरपूर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ निश्चित रूप से इस बात की कठिनाई है कि कई बार पर्याप्त अवसंरचना नहीं होने के कारण फसल का नुकसान होता है और उसका असर पर्यावरण भी पड़ता है। इससे निपट सके इसके लिए अवसंरचना के लिए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 1,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से हम अधोसंरचना बना सके, कोल्ड स्टोरेज बना सके और कटाई के बाद कृषि उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में प्रबंधन कर सके।